झांसी के श्री 1008 अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगुआजी में 16 दिसंबर को श्री मज्जिनेन्द्र 1008 नैमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव का सानत समापन हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने प्रभु के मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियां संपन्न की। मुनिश्री अविचल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आरिका श्री पूर्णमती माता जी की प्रेरणा से झांसी के श्री 1008 अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगुआ जी में आयोजित हुए श्री मज्जिनेन्द्र 1008 नैमिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव का सानद समापन 16 दिसंबर को हुआ। अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक के दौरान तीर्थंकर प्रभु ने नश्वर शरीर को त्याग दिया और अग्नि में विलीन हो गए। अंतिम दिन भक्तों ने मोक्ष कल्याणक की मांगलिक गतिविधियों में सहभागिता की। सौभाग्यशाली भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु भक्ति का आनंद उठाते हुए याग मंडल विधान में अर्घ अर्पित किए। इस अवसर पर महोत्सव में सहभागिता करने आए भक्तों ने कहा कि ये महोत्सव करगुआ के लिए ऐतिहासिक रहा। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम यश और मैं दया भावना फाउंडेशन में इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का मन संचालक का कार्यभार संभाल रहा हूं और ये झांसी नगर में ऐतिहासिक पंच कल्याणक पूज्य मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में बहुत ही सानंद संपन्न हुआ है। इसके लिए सभी साधर्मी जनों को साधुवाद। जय जिनेन्द्र। शाम को समोसरण की रचना हुई, वाकई में प्रोग्राम देखने में बहुत आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे प्रोग्राम बहुत सालों बाद मैंने देखा है। मेरा परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है कि मुझे यह प्रोग्राम देखने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी यहाँ की जनता ने भी बहुत आनंद लिया है और हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोग्राम झांसी में दोबारा हमें देखने का अवसर प्राप्त हो। महोत्सव के अंतिम दिन नगर में भव्य गजरथ फेरी निकाली गई। मुनिश्री सत्संग के सानिध्य में बड़ी संख्या में भक्तों ने इस यात्रा में सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। करगुआ में निकाली गई इस विशाल गजरथ फेरी में बड़ी संख्या में भक्तों ने सहभागिता की। जैन फोकस के लिए झांसी उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।